अकारण करुणा वरुणा ले भक्त वाशक पतरु वरुण पीताम्बर धारे भगवान श्री रघुवन सरकार के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे एवं आनंद में होंगे। जैसा कि आज का विषय है दशा, दशा शब्द का उल्टा किया जा सकती है सदी, अर्थात जो जन्म जन्मांतर से युग युगांतर से जो सदी चली आ रही है, यदि हमारी दशा हम चेंज कर लें, यदि दशा का हम बदलाव कर लें तो हम सदी की व्यवस्थाओं को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि जो मूलभूत आहार जो अन्न ग्रहण करते हैं, एक पंक्तियां यूज होते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अर्थात दशा की यदि हम बात करते हैं तो जो घर में हमारी माता बहन जो अन्न बनाती हैं वो किस दशा की ओर मुख करके बनाए, तो अगर माताएं बहनें यदि पूर्व की ओर मुख करके खाना बनाती हैं तो हमारा जो अन्न धन है, जो हमारा भंडार है, निरंतर प्रति निरंतर ही वो बढ़ता जाता है, उसको कभी खाली पर नहीं आता, कभी निष्फल नहीं होते। जैसे कि अन्न पूर्ण सदा पूर्ण संकट प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थ विक्षाम देश पार्वती, जो अन्न पूर्ण स्वरूप में माँ पार्वती हैं उन्हें कृपा हम पर बनी रहती है। जैसे खाना तैयार हुआ तो हमें शरीर को भोग लगाना चाहिए और खाना को उसी प्रकार खाना चाहिए कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, ये हमारे शरीर की पूर्ति नहीं हो रही है, इस श्री जी की प्रसादी हम लोग पा रहे हैं। अब विषय उठता है महाराज जी खाना किस दिशा की ओर मुख करके खाएं, या किस दिशा की ओर खाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, तो विशेषतः पूर्व की यदि मुख और हम करके खाना खाते हैं, हमारा मुख पूर्व की ओर यहाँ सूर्य भगवान का उद्गम होता है, यदि हम वहां अपना मुख रखते हैं तो हमें आयु बढ़ती है। आयु बढ़ाना है तो हमें पूर्व की ओर मुख रख के खाना पड़ेगा, परंतु यदि हम पूर्व के बाद दक्षिण की ओर आते हैं तो यहाँ पर खाना हमें नहीं खाना चाहिए। यदि हम दक्षिण की ओर खाना करके खाते हैं तो वो प्रेतों को लगता है, अर्थात भूत पिशाच उसको ग्रहण करते हैं, उसका जो योग होना चाहिए हमको प्राप्त नहीं होता, जो प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स हमको प्राप्त होना चाहिए हमारी बॉडी को प्राप्त नहीं हो पाते। उस पर यदि हम पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करते हैं तो हमें रोगों की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार के रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। आज वर्तमान इसमें देखेंगे आप नाना प्रकार की जो डिसीज हो रही है, जो बीमारियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं दिशा के अभाव के कारण जो मनुष्य कहीं भी होकर खाना खाने लगते हैं, ये उसका प्रभाव है। यदि उत्तर की ओर हम खाना मुख करके खाते हैं, उत्तर दशा जो कि बड़ी शुभ मानी गई है, यदि उसकी ओर हम भोजन करते हैं दशा के यहाँ मुख करके, तो हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी कृपा होती है। अर्थात यदि सबसे अच्छी दशा हम देखें खाना खाने के लिए तो एक तो वो है पूर्व, उसके बाद हमारी उत्तर। हमें कभी भी दक्षिण और पूर्व की और दक्षिण और पश्चिम की ओर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और पद्म पुराण की सृष्टि योग का यदि हम विवरण करें तो पद्म पुराण में सृष्टि खंड में साफ साफ लिखा गया है, प्राच्याम नरो लभे दायो याभ्याम पृथस्मृते वारुणे च भवेत रोगी आयुर्वित्तम धनुतरे। अर्थात पूर्व की ओर भोजन करने से आयु की वृद्धि होती है, दक्षिण की ओर हमारा जो भोजन होता है वो प्रेतों को प्राप्त होता है, पश्चिम की ओर यदि हम भोजन करते हैं तो हमें रोग अवस्था की प्राप्ति होती है, और उत्तर की ओर भोजन करने से हमारे समस्त दुख मिट जाते हैं, सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।